बेटा क्वेश्चन और करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज कौन सा था बेटा 13.4 13.3 दैट इज सर्विसेबल ओके वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड दैट इज कैनल जो है 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप ओके स्पीड जो है स्पीड मतलब क्या होगा कि स्पीड के थ्रू हम लोग लेंथ फाइंड कर सकते हैं स्पीड जो है रिलेटेड टू लेंथ स्पीड से क्या होगा लेंथ फाइंड हो जाएगा ओके तो विड्थ दे दिया डिप दे दिया और लेंथ इसमें से फाइंड हो जाएगी डेट मीन्स हाइट है ओके हाउ मच एरिया विल इट डेडिकेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड ओके दैट मीन्स ये वाला कैनल है रेक्टेंगल शेप का तो इसमें जाके ये वाला फील्ड है पानी इधर का ओके इसका हाइट जो है जो फील्ड में जो जा रहे हैं उसके हाइट जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर ओ हाइट छोटा तो छोटा दिखते नहीं दिखते नहीं एच इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर हाइट पानी आएगा तो इसी जगह पे जाएंगे तो इसका एरिया ए इक्वल्स टू क्या होगा ये पूछा दैट मीन्स जो वॉल्यूम इधर पे आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड ओके तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस जो है वो कितना 30 मिनट्स में ओके 30 मिनट्स में कितना वाटर फ्लो कर रहा है उसको हम लोग देखेंगे तो सॉल्यूशन में इधर से सॉल्यूशन कर देता हूं ओके वाइट दे दिया ब्रेथ इक्वल्स टू व्हाट दैट इज 6 मीटर हाइट जो डेप्थ वो कितना है 1.5 मीटर ओके लेंथ जो है ये जो ट्रैवल करेगा 30 मिनट्स में जो ट्रैवल करेंगे 30 मिनट्स में ये जो लेंथ होगी वो क्या होगा स्पीड इंटू टाइम स्पीड इंटू टाइम लेंथ हो जाएगा है ना स्पीड इंटू टाइम तो लेंथ जो है लेंथ ऑफ वाटर ट्रेवल इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम स्पीड इंटू टाइम तो स्पीड जो है हम लोग का कितना थी बेटा 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम जो दिया 30 मिनट्स तो इसमें 10 किलोमीटर पर आवर 10,000 मीटर अपॉन 60 मिनट आवर को 60 कर ले मिनट एंड 30 मिनट्स तो सब कट देंगे तो 5000 मीटर आ जाएगा ओके इस जीरो से इस जीरो कट गया 3, 2, 5 तो 5000 मीटर आ गया उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 30 मिनट्स ओके तो वाटर के वॉल्यूम इसमें जो वाटर के वॉल्यूम होगा तो इसकी वॉल्यूम होगी एरिया इंटू हाइट इसका एरिया इंटू हाइट ठीक है ना तो एरिया इंटू हाइट लिख देता हूं एरिया इंटू हाइट और इसमें जो वॉल्यूम गया वो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हाइट मीन्स यहां पर जो डेप्थ है उसकी हाइट है तो एरिया को ये मान लिया हाइट जो दिया है कि 8 सेंटीमीटर तो 8/100 मीटर कर लेते हैं तो 8/100 मीटर लेंथ कितना था 5000 ये भी मीटर में था ब्रेथ कितना था बेटा 6 1.5 तो एरिया आ जाएगा तुम्हारा 5000
into 100 into 6 into 1.5 divided by 8. ओके सॉल्व करोगे कितना आंसर है? 5625200 आगे भी कुछ आएगा मीटर स्क्वायर इसका आगे भी कुछ आएगा वो आएगा स्टेटमेंट एरिया विल इंडिकेट हाउ मच एरिया तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 562500 मीटर स्क्वायर बेटा कैलकुलेट करके देख लिया था ना है ओके कैलकुलेट करके देख ले जल्दी से अच्छा डाउट इस पॉइंट में कि जो एनसीईआरटी में जो आंसर दिया इसका हेक्टर्स में दिया है तो थोड़ा ध्यान रखोगे ये वाला जो सेवेंथ एट क्लास किलोमीटर हेक्टोमीटर मीटर ओके तो किलोमीटर किलो हेक्टो सॉरी डेका मीटर ओके किलो हेक्टो डेका उसके बाद मीटर है ना किलोमीटर हेक्टोमीटर डेका मीटर मीटर तो यहां से जो यहां तक आएगा दैट इज कितना ये दो जीरो की बात आएगी ठीक है बेटा तो हम लोग का जानते हैं कि वन हेक्टोमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएंगे 100 मीटर ओके तो अभी वन हेक्टर हेक्टोमीटर स्क्वायर पर क्या बोलते हैं हेक्टर इक्वल्स टू 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर और यहां भी इतना मीटर स्क्वायर दिया था 562500 मीटर स्क्वायर दिया था तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस जगह पे तो इक्वल्स टू कितना था 562500 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 5625 दैट इज हेक्टर्स हेक्टोमीटर्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हेक्टोमीटर्स और जो डीएम होता है डेसीमीटर और डैम होता है डेकामीटर क्लियर बेटा आ गया ओके सॉल्व कर लीजिए